नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। जापान में आम चुनाव का मतदान है जारी, जहां प्रधानमंत्री फूमियो किसिदा ने कोरोना, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बारे में अपनी नीतियों के लिए सार्वजनिक जनादेश की मांग की है। आज G20 सम्मेलन के दूसरे सेशन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले, सरदार पटेल हमेशा मजबूत, समावेशी, संवेदनशील भारत चाहते थे, एकजुट होने पर लक्ष्य होगा पूरा। केरल और पश्चिम बंगाल की रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिले एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखरे के पिता और पत्नी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी, अर्पित की श्रद्धांजलि। वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों के सीएम से 2 नवंबर को बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, पिछले 24 घंटे में लगी 67 लाख से ज्यादा डोज। प्रियंका गांधी बोली, किसानों को कुचले जाने के खिलाफ डटे रहने की प्रेरणा देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का संघर्ष। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,830 नए मामले दर्ज किए गए, जहां 446 लोगों की गई जान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ के हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की, साथ ही उनको नमन करने के साथ 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को अपने सरकारी आवास के बाहर से झंडा दिखाकर रवाना किया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर मतगणना से पहले राजद की एक मांग को चुनाव आयोग की ओर से पूरी कर ली गई है। राजद ने मतगणना के तरीके में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से 2 मांगे रखी थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें पता चला है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यूपी बॉर्डर पर टेंट को गिराने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा किया जाएगा तो किसान पुलिस थाने और डीएम कार्यालय में अपना टेंट लगाएंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने शासन काल में भले डर गए हों, लेकिन मुझे अपनी सरकार गिरने का भय नहीं है। हम कृषि कानूनों को रद्द करने के बदले इसमें संशोधन का विधेयक विधानसभा में लाएंगे। बॉर्डर बंद करने के लिए बीते 11 महीने से दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराते आ रहे आंदोलनकारी किसान अब अपने दांव में फंसते नजर आ रहे हैं और आखिरी पैतरा बदलते हुए दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर जब खोलने गई तो आंदोलनकारी बिफर गए। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, विकास नगर में यूटिलिटी खाई में गिरने से 13 की गई जान, सीएम धामी ने जताया दुख और मुआवजे का किया ऐलान। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार की लालू रावड़ी राज से की तुलना, जरा ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक इनामी नक्सली समेत 14 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके बाद सीएम शिवराज ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ओबीसी भवन नगरोटा बंगवा में रखा गया है, इसके बाद अंतिम संस्कार श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 3 बजे किया जाएगा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का जवाहर टनल, यातायात नियंत्रण प्रणाली के अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है जारी। बंगाल में बीएसएफ ने तस्करी के प्रयास को किया ध्वस्त, 2.8 किलोग्राम चांदी के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नवाब मलिक ने फिर से कहा, समीर वानखरे फर्जी एससी सर्टिफिकेट से पद पर बने हैं, अपने बयान पर हूं कायम। राजस्थान के बल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में 70% से अधिक हुआ मतदान।
ओएनजीसी में ग्रेजुएट ट्रेनी के 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ONGCIndia.com पर 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बदलते मौसम में फ्लू से जल्द रिकवरी के लिए गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिलाकर पिए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के लिए करो या मरो के मुकाबले से पहले दिग्गजों ने सुझाव दिया और कहा कि आज इतिहास बदलेगा। आर्यन खान ड्रग्स केस पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मेरे बच्चे सोनाक्षी, लव और कुश ने नहीं लिया कभी ड्रग्स, उनकी परवरिश अच्छी हुई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।